देवास रोड पर युवक को चाकू दिखाकर कार और 3.5 लाख रुपए लूटे। नमस्कार, आप देख रहे हैं MP7 न्यूज, देखिए पूरी खबर। देवास रोड पर गुरुवार दोपहर सनसनीखेज लूट का मामला सामने आया है। एक किसान की कार को दो बाइक पर आए 4 बदमाशों ने रुकवाया और उसे चाकू अड़ाकर 3.5 लाख रुपए व कार छीनकर ले गए। युवक ने 3 दिन पूर्व ही 14 लाख रुपए कीमत की नई कार खरीदी थी। बदमाश मौके पर एक बाइक छोड़ गए थे, वह चोरी की निकली। सूचना मिलने पर SP सचिन शर्मा भी मौके पर पहुंचे। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। TI संजय मालवी ने बताया कि अजय जाट निवासी ग्राम हंसखेड़ी खेती करता है। गुरुवार को उसे नरवर में किसी व्यक्ति को 3.5 लाख रुपए देना थे, इसके चलते वह गुरुवार दोपहर घर से निकला था। अजय के पिता ने उसे 3.5 लाख रुपए दिए थे। 2 लाख रुपए अजय ने महानंदा नगर स्थित बैंक से निकाले थे, जिसे लेकर वह कार से अकेले ही नरवर जा रहा था। MIT फंटे पर दो बाइक पर आए 4 बदमाशों ने कार के आगे बाइक खड़ी कर उसे रुकवाया था। इसके बाद अजय को चाकू दिखाकर उससे रुपए छीन लिए और कार लेकर वहां से भाग गए। दो बदमाश एक बाइक पर बैठकर गए तो वहीं 2 कार ले गए। बदमाश एक बाइक मौके पर ही छोड़ गए थे। वारदात के बाद अजय ने नरवर थाने पहुंचकर पुलिस को सूचना दी थी, जिस पर पुलिस ने जांच शुरू की। पुलिस को मौके से बदमाशों की बाइक मिली है, जो चोरी की निकली। नागझिरी थाना क्षेत्र के शिवांश वैली निवासी अमित राठौर गुरुवार दोपहर करीब 3 बजे अपनी बाइक से फ्रीगंज से घर की ओर जा रहे थे। देवास रोड पर सड़क किनारे वह बाइक खड़ी कर लघु शंका करने के लिए रुक गया था। उसी दौरान 2 बदमाश उसकी बाइक चुरा कर ले गए। अमित मामले की शिकायत करने के लिए नागझिरी थाने पहुंचा था। लूट की सूचना के बाद नागझिरी पुलिस भी हरकत में आई और बाइक चोरी की जांच शुरू की। पुलिस ने CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली तो उसमें अमित राठौर नागझिरी स्थित शराब दुकान से शराब खरीदकर जाते हुए नजर आ रहा था। जांच में पुलिस को पता चला है कि बदमाश जिस कार को अजय से लूट कर ले गए हैं, वह उसने मात्र 2 दिन पूर्व ही खरीदी थी। अजय ने पुलिस को बताया कि बदमाश वारदात के बाद उज्जैन की ओर भागे थे, जिसके आधार पर पुलिस देवास रोड पर लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगालने में जुट गई है। दिन दहाड़े लूट की जानकारी मिलने पर SP सचिन शर्मा मौके पर पहुंचे थे। SP ने फरियादी अजय व बाइक मालिक अमित से चर्चा की। SP शर्मा का कहना है कि पुलिस के हाथ महत्वपूर्ण सुराग लगे हैं, जल्द ही मामले का पर्दाफाश किया जा सकता है। खबरों की अधिक जानकारी के लिए आप MP7 न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखते रहिए हमारे साथ MP7 न्यूज़।